हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ BBMS यानी कि भाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड में आई 45 पदों पर फायरमैन, सेवरमैन तथा अन्य कई पदों पर वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं BBMP जॉब 2019 जिसमें 45 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और इसकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा और उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सेलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन फीस और फॉर्म को कैसे भरना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा। यदि वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन नेम की तो उसका नाम है भाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, फायरमैन, सर्वेयर, टर्नर, फेयरमैन, बूटमैन, स्विफ्ट अटेंडेंट्स, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, साइकोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, मैरिन फिटर ग्रेड्स फर्स्ट के लिए वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें कुल 45 पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की तो दोस्तों, इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30 दिसंबर 2019। तो दोस्तों, 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो आवेदन करने का माध्यम होगा वो केवल ऑनलाइन होगा, यानी कि इस फॉर्म को केवल आप ऑनलाइन के द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉब कैटेगरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें यानी कि जो इसमें चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें आपका चयन इंटरव्यू के आधार पर आयोजित किया जाएगा। और जो इसका जॉब लोकेशन होगा यानी कि इसमें चयन होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो चंडीगढ़ में होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स यहाँ से पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसीज की तो इसमें देख सकते हैं, फायरमैन के लिए 15 वैकेंसी है, सर्वेयर के लिए 3 वैकेंसी, टर्नर के लिए 1 वैकेंसी, सेवरमैन के लिए 12 वैकेंसी, बोटमैन के लिए 2 वैकेंसी, शिफ्ट अटेंडेंट के लिए 7 वैकेंसी, OTA यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी, साइकोथेरेपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी, फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी, मैरिन फिटर ग्रेड फर्स्ट के लिए 1 पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें आपके पास पोस्ट वाइज 10वीं क्लास 12वीं क्लास, डिप्लोमा और ITI होना चाहिए। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके एज लिमिट की तो इसकी एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, फायरमैन के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष है, सर्वेयर के लिए 18 से लेकर 37 वर्ष, टर्नर, सर्वमैन, बोटमैन, शिफ्ट अटेंडेंस, OTA, साइकोथेरेपिस्ट, सभी के लिए देख सकते हैं 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। बात करें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की यानी कि जो चयन की प्रक्रिया होगी उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें आपका चयन केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की यानी कि इसमें चयन होने के बाद जो आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें जो सैलरी होगी 6,400 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा,
चाहे आप जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी हो, किसी भी कास्ट के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि जो आवेदन शुल्क होगा वो फ्री होगा। तो दोस्तों चलिए आपको बता देता हूँ इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कीजिए और उसमें सभी डिटेल्स अपना फिलअप करके फॉर्म को रीचेक कीजिए। और दोस्तों फॉर्म को रीचेक करने के बाद कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, अन्यथा एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए फॉर्म को रीचेक जरूर कीजिएगा। और रीचेक करने के बाद फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप एक इसका प्रिंटआउट अपने पास रख ही लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रिंटआउट भर्ती किसी भी स्टेज में आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिएगा, उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए कि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, इसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 800 रुपये का शुल्क होगा, एससी एसटी तथा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 400 रुपये का शुल्क देना होगा। और इसके फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर मिसप्रिंट हो गई थी, इसके लिए सॉरी। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।